क्या कहेंगे टॉस जीतकर पहले फील्डिंग? अमूमन अगर हम भारत को देखें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, लेकिन यहां पर जिस तरह से साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब वहां पर क्या सिचुएशन है, विकेट की क्या कंडीशन है, उसको देख के उन्होंने ये लिया होगा डिसीजन। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ही मारी होगी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो भी फर्स्ट बैटिंग कर रहा है वो मैच में जीत रहा है जी। और जो टारगेट चेस करने वाली टीम है वो कहीं ना कहीं जाके फंस रही है। हम पूरे टूर्नामेंट के मैचेस जो देखते हैं उसके अंदर ज़्यादातर मैच जो फर्स्ट बैटिंग जिसने करी है उन्होंने मैच जीता है उस टीम ने, और जो सेकेंड बैटिंग कर रहा है वो प्रेशर में बैटिंग कर रहा है। और यहाँ तक के दक्षिण अफ्रीका की टीम क्योंकि बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है बैटिंग में, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने प्रेशर को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन मुझे आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अगर देखा जाए कि साउथ अफ्रीका टीम को खोने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन श्रीलंका टीम चाहेगी कि वो कहीं ना कहीं इस मैच को जीते और जो सेमीफाइनल की रेस है कहीं ना कहीं उस पर को मैं बनी रहे, तो दबाव श्रीलंका टीम पर होगा ना कि साउथ अफ्रीका टीम पर? बिल्कुल, श्रीलंका की टीम चाहेगी अपना सफ़र को आगे बढ़ाना और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना, क्योंकि वो एक मौका उनको मिल गया है और वो इस मौके को किसी भी हालत में चूकना नहीं चाहेंगे। क्योंकि अब रही बात अफ्रीका की टीम की, अफ्रीका की टीम के पास खोने के लिए तो अब कुछ बचा नहीं है। इस पूरे टूर्नामेंट में एक तरह से ख्वारी हुए हैं वो, जिस तरह से बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान और उसी कैलिबर पे एक आध मैच इन्होंने भी जीता है जी। और मैं नहीं समझता, प्रेशर जो है नेचुरल है क्योंकि सेमीफाइनल में जाने का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन जो श्रीलंका की टीम है जी, वो भी एक तरह से ये इस टूर्नामेंट को उस हिसाब से ले रही है कि ठीक है अब देखते हैं जी। लेकिन जीतना तो वो चाहेगी। श्रीलंका टीम में आपका कौन सा ऐसा लगता है, बैटिंग एक जबरदस्त है बसरते आप फॉर्म में रहें, बॉलिंग भी जिस तरह से लसित मलिंगा की हम बात कर रहे हैं कि अब जिस तरह अचानक फॉर्म पर आए हैं, एक मजबूत पक्ष श्रीलंका के लिए है, लेकिन फील्डिंग अभी भी कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी श्रीलंका की रही है? देखिए, हमने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर फील्डिंग के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी टीमें, आप पाकिस्तान को ले लीजिए फील्डिंग में, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, तो कहीं ना कहीं ये वो एफर्ट जो ऑस्ट्रेलिया टीम दिखा रही है, जो इंडिया टीम दिखा रही है फील्डिंग में, ये कहीं ना कहीं चूक गए। और मैच जीतने के लिए आपको फील्डिंग बहुत अच्छी हाई लेवल पे करना पड़ेगी, कैचेज आपको पकड़ना पड़ेंगे जिसकी वजह से आप नहीं तो मैच लूज करते हैं, और जो हमने आगे देखा है जी। मुझे अगर आंकड़े देखें, पिछले आंकड़े देखें, अगर पिछले 5 मैचों की बात करें जो मुकाबले हुए हैं साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में, उसमें 5 मैच जो साउथ अफ्रीका जीती है, भले इस टूर्नामेंट में जो हालत है काफ़ी पतली है, खस्ता है साउथ अफ्रीका की, लेकिन पिछले आंकड़े जो बताते हैं दोनों के बीच के मुकाबले की, तो क्या ये 5 मुकाबले जो पिछले जीते हैं साउथ अफ्रीका, ये भी एक पॉजिटिव माइंड सेट करेगा साउथ अफ्रीका का? देखिए, जो इतिहास की बात होती है, इतिहास तो वक्त के पन्नों के साथ दफन हो जाता है, और आज का प्रेजेंट जो है, जो क्रिकेट खेली जाएगी वो आज के आपके परफॉर्मेंस पे, आज का आप क्या परफॉर्मेंस करते हो, आप क्या बैटिंग करते हो, क्या फील्डिंग करते हो, ये उसके ऊपर बहुत निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए, मैच आज हो रहा है जी, हार जीत आज होगी, कल क्या हुआ था क्रिकेट में कल नहीं होता जी। क्रिकेट में प्रेजेंट होता है कि आज आपने कैच पकड़ा, कल आपने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था लेकिन आज आपने कैच छोड़ दिया, कल आपने 200 बनाए थे आज आप 0 पे आउट हो गए, तो क्रिकेट आज से होता है ना कि कल। बिल्कुल, और प्रेजेंट में ये है कि जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है, जो श्रीलंका की टीम है, देखिए वो भी रीबिल्ड से गुजर रही है, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि उनकी भी आप पीछे जाते हैं इतिहास देखते हैं तो उनके पास एक बड़े नाम थे जो कि आज उनके पास भी नहीं है। उसी तरह आपकी अफ्रीका जो है, अफ्रीका के पास जो बॉलिंग अटैक था वो आज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। रबाडा है, रबाडा के ऊपर, लेकिन रबाडा अच्छा करते हैं, लेकिन रबाडा के साथ भी तो किसी ना किसी को चाहिए, क्योंकि एक चना तो भाड़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हमने अपने भारत में, भारत की टीम को देखा है कि जिस तरह से लगातार बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है, कि अगर बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा है, अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे हैं, फिर जब समय आते हैं तो अच्छे विकेट वो ले जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन की कमी कहीं ना कहीं है। बिल्कुल, देखिए आप इंडिया की आप बात करेंगे तो इंडिया के अंदर आप देखिए बुमराह अल्टीमेट बॉलर है, बहुत अच्छा बॉल फेंक रहा है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। मैं समझता हूँ कि बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। हमारे पास भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए, लकीली हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, हमें समी को हमने लेके आए, समी ने
और अच्छा परफॉर्म करा। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने हैट्रिक करी। उसके बाद कल के मैच आप देखिए, कल के मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। लेकिन इंडिया के मैच में कहीं ना कहीं हम मिडिल ऑर्डर में फंस रहे हैं, क्योंकि बड़े मैचेस जो हमें खेलना है, सेमीफाइनल है, फाइनल है। आप बैटिंग की बात करते हैं, हमारे ओपनर रोहित शर्मा भी दोनों मैचों में परफॉर्म उतना नहीं कर पाए। क्या, क्या इसका एक कारण भी रहा है कि जिस तरह से अगर हम शिखर धवन की बात करें, एक अल्टीमेट दोनों की जोड़ी बन गई थी और दोनों एक बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं लगता है क्या रोहित शर्मा ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं शिखर धवन के जाने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल ये बात हो सकती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये, जब शिखर धवन और रोहित शर्मा ये ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग से ही ये बॉलर पे अटैक करते हैं शिखर धवन, जिसकी वजह से इन्हें सेट होने का मौका मिल जाता है। अब क्योंकि केएल राहुल, ऐसा नहीं केएल राहुल भी बड़े शॉट मारते हैं, लेकिन केएल राहुल और धवन इनमें काफी फर्क है जी, क्योंकि सीनियर भी हैं, काफी क्रिकेट खेले, मैच भी ज्यादा खेले हैं शिखर धवन, बड़े मैचेस में रन बना के आए हुए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उस प्रेशर गेन करने की कैपेसिटी डेवलप होती कर गया। बहुत अहम बात जिस तरह से मुजीब खान हमें बता रहे हैं, क्रिकेटर और कोच हैं, और हम आपको अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप का ये 35वां मैच है, आज 3 बजे से खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच ये अहम मुकाबला है। और जिस तरह से टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, और श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी अहम है उनके लिए, क्योंकि अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने तक उनकी उम्मीदें बरकरार हैं। वही साउथ अफ्रीका की हम बात करें तो टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बचे हुए हैं मैच हैं उनको जीतकर वो एक आत्मविश्वास तलाशने की यहां पर कोशिश करेगी। और जो लगातार अब आलोचना हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ कमी आए इसके लिए उतरेगी। किसी प्रकार का दबाव साउथ अफ्रीका पर नहीं होगा, लेकिन श्रीलंका पर दबाव जरूर होगा। लेकिन जिस तरह से मुजीब खान हमसे बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि श्रीलंका जिस तरह से खेल रही है, आज जो पलड़ा है उनका भारी रहने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि चौथे स्थान के लिए अब लड़ाई 4 टीमों के बीच में, मुजीब क्या कहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन चौथा जो स्थान है काफी अहम हो गया है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, ये 4 टीमें के बीच में मुकाबला है। देखिए मेरा तो ये मानना है इस वक्त सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो गया जी, क्योंकि जिस टीम को हम सबसे स्ट्रांग समझ रहे थे इस टूर्नामेंट में, उनका होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है इंग्लैंड, तो हम इसको वर्ल्ड कप का एक प्रबल दावेदार के रूप में भी देख रहे हैं। जी, बिल्कुल। कि लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और वक्त ने एकदम पलटा लिया, उनके परफॉर्मेंस गिरे, और ये टीमें जिन्हें हम टूर्नामेंट से बाहर मान रहे थे, श्रीलंका हुई, बांग्लादेश हुई, पाकिस्तान हुई, अचानक इन्होंने पलटवार किया जी, और ये टूर्नामेंट में सामने खड़े हो गए 4 नंबर की लड़ाई के लिए। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब होता क्या है, क्योंकि सब हर टीम के लिए करो और मरो वाली स्थिति है, और अब तो पॉइंट टेबल पे दिल और जान लगा के हर आदमी पॉइंट टेबल पे ऊपर आना चाहेगा और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा। हम श्रीलंका की भी बात कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की भी बात कर रहे हैं, और हम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान को उस स्तर की टीम नहीं आंका जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से टीम आगे बढ़ी है और अब पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लवरेज है, और दोनों उसके जो मैच हैं वो एक, चाहे अफगानिस्तान की हम बात करें और या ये अन्य एक और मुकाबला है उसकी हम बात करें, कि उतनी तगड़ी टीमें नहीं है, तो पाकिस्तान को इस मैच में आप कहाँ देख रहे हैं कि चौथे पायदान के लिए एक सशक्त टीम उभर कर पाकिस्तान आई है? देखिए मैं अगर अपनी बात करता हूँ, क्रिकेट के अंदर आप ये देखिए कि जब इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान का सफर शुरू हुआ जी, तो जो उसके परफॉर्मेंस आए, जो उसकी हारें मिली, और एक टीम के अंदर निरंतर जो एकजुटता थी उसका अभाव नजर आया। और लेकिन जब हम ये मैच देखते हैं, जैसे जैसे मैच ये जीते हैं, इनके पास आप शायद जो आफरीदी हैं, शाहीन आफरीदी, उस 19 साल का लड़का है, उसने अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करी और इनकी उम्मीदें जगा दी, साथ में आमिर को एक अच्छा स्टैंड दिया उनने, और एक जो पाकिस्तान की टीम है जी, भी काफी जबरदस्त कहीं, और उसके बाद जो उनके लेग स्पिनर है वो भी बहुत अच्छा, मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट में एकदम ऊपर आई है। और उसके बाद जहां हम बैटिंग देखते हैं, बैटिंग के अंदर आप देखिए
शोएब मलिक खेल रहे थे क्योंकि वो उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, उसके बाद भी टीम मैनेजमेंट उनको खिलाया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने हारिस सोहेल को मौका दिया। हारिस सोहेल ने ये बता दिया कि यार बाहर बिठाया आपने मुझे, लेकिन मेरे अंदर इतना टैलेंट है जो कि मैं, उसने प्रूव करा जी। और यही बाबर आजम को आप देखिए 50-50 तो वो कर ही रहे थे, उन्होंने कंसिस्टेंट होके 100 रन बनाए जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त टीम के अंदर एक अच्छा दिख रहा है और बाकी क्रिकेट है इसके अंदर, अभी ये टीमें हैं, अब कौन बहुत अच्छा कर जाएगा वो चौथे नंबर। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं मुजीब जी, लेकिन बांग्लादेश जिस तरह से परफॉर्म कर रही है कि एक बेहतर परफॉर्म उसने इस पूरे टूर्नामेंट में किया है, जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि इंग्लैंड एक सशक्त दावेदार मानी जा रही थी इस टूर्नामेंट में, मेजबान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि अब जद्दोजहद करना पड़ रही चौथे स्थान के लिए, बांग्लादेश को आप कहां आंकते हैं इस बीच में? बांग्लादेश देखिए, हमारी पहले भी बात हो चुकी है, पहले भी बात हुई है कि बांग्लादेश पाकिस्तान ये वो टीमें हैं कि उलट फेर करने में माहिर हैं, ये कभी भी उलट फेर कर सकती हैं। और बांग्लादेश में आप देखिए बैटिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए उनका, बहुत अच्छा कर रहा है, लिट्टन दास है और शाकिबुल हसन, आप देखिए पूरे टूर्नामेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा वो परफॉर्म इस वक्त जो वर्ल्ड कप है जिसमें शाकिबुल हसन बॉल से भी बैट से भी, तो किसी भी टीम के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पीछे हम देखते हैं उनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। और तो बिल्कुल ये क्रिकेट जो विश्व कप है अपने आप में अहम है, और जिस तरह से आज का अहम मुकाबला श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 बजे ये मैच शुरू होगा, श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम मैच है। और फिलहाल जीत लो कप हमारी इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुजीब जी हमसे जुड़े बहुत शुक्रिया मुजीब जी आज की इस डिस्कशन।